अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए आज मटन करी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने आधा केजी मटन लिया है, आप लोग देख सकते हैं। आधा केजी मटन है, मैं इसमें ऐड करूँगी। सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे हम इसमें, और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और 1 चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड किया है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से एक टाइम क्विक मिक्स करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे ऐसे ही रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे करी की प्रिपरेशन करेंगे। ऑयल ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है। फ्लेम लो रखिएगा। 2 मीडियम साइज की चॉप्ड अनियन लिए हैं, इसमें हम ऐड कर देंगे। और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। ऐड कर देंगे टमाटर में भी प्याज अच्छी तरह से गल जाएगी। एक चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड करेंगे। मुझे लग रहा है कि मैं और थोड़ा सा ऐड करूं, तो मैं 1/2 चम्मच और ऐड कर रही हूं। बस इसी टाइम पे ना हमें क्या करना है, सारे सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे। चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, हाफ चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा नमक। अब हम इन सब चीजों को अच्छी तरह से एक टाइम भून लेंगे। मसाले अच्छी तरह से भून जाए ना, तब हम इसमें क्या करेंगे, मटन ऐड कर देंगे। मटन ऐड कर देंगे, अब हमें क्या करना है, मटन को मसालों में अच्छी तरह से भूनना है। तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हाई फ्लेम रख के थोड़ी देर अच्छी तरह से भूनिएगा। एक लेमन जूस ऐड करेंगे। इसको भी लिड लगा के
3 विसल्स लेंगे। यहाँ पे हमारी मटन ग्रेवी रेडी है, झटपट से आसान से बनने वाली है, ना टाइम ज़्यादा लगता है ना को। इसे आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।